जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 4 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी, शानदार से सुविचार, मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार दे रखा है, मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है उसका अज्ञान। यह चाणक्य का यहाँ पे नीति है, चाणक्य का यहाँ पे कथन है। इफ़ मैन हैज़ एनी बिगेस्ट एनमी दैट इट इज़ हिज इग्नोरेंस। ठीक है, अज्ञान से बड़ा कोई भी शत्रु नहीं होता है। आज 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस और आज दादा भाई नौरोजी का जन्म दिवस है। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। ये कौन थे? तो ये एक भारतीय राजनेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे। चलिए सबसे पहले हम करते हैं आज के समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से। और यह वीडियो एकदम 360 डिग्री वाली है बच्चा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो प्रश्न है वो कक्षा एक से लेकर के पाँच तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। सबसे पहला शानदार सा प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। यहाँ पर यदि जन गण मन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में इसे पहली बार गाया गया था। इसे गाने की अवधि जो है वो लगभग 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड में आपको खड़े होकर सावधान की स्थिति में गाना है। ठीक है, और यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनकी रचना को एक से ज़्यादा देशों में राष्ट्रगान का दर्जा मिला है। ये जो राष्ट्रगान जो लिखे वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे हैं और इनकी एक और रचना है अमार सोनार बंगाल, उसे बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा मिला है। याद रखेंगे इतनी चीज़ों को। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है? देखिए बच्चा, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में नहीं आएगा, और उसके साथ सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर होते जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक प्रश्न उत्तर बताना नहीं है बल्कि आपके दिमाग में सभी तरह की चीज़ों को फिट करना है। तो यह इस तरह की चीज़ें आपको पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सर इसी तरह से पढ़ाइए और समझा के पढ़ाइए, तो मैं और समझा के पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा शेर। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। देखिए शेर तो हो गया जंगल का राजा, फलों का राजा आम को कहते हैं, सब्जियों का राजा आलू को कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, आसान सा है। एक घंटा कितने सेकेंड का होता है? देखिए यहाँ पर एक घंटा में सेकेंड पूछ रखा है, सीधा याद रखेंगे 3600 सेकेंड। लेकिन आपका प्रश्न होगा, सर 3600 सेकेंड आया कहाँ से? हमने तो अभी पढ़ा है कि एक घंटा में मिनट, एक घंटा में होता है 60 मिनट, सेकेंड तो हमने नहीं पढ़ा है। तो बच्चा यहाँ पर आप देखिए, एक घंटा में हुआ 60 मिनट और एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में 60 को 60 से गुना करेंगे आएगा 3600। इस प्रकार एक घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड होगा, तो इसको 60 से गुना कर देंगे बराबर 3600 सेकेंड आ गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ स्थित है? जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित है। कहाँ है साथियों? रायपुर। यह प्रश्न क्यों दिया है? तो यह प्रश्न इसलिए दिया है कि झारखंड की सीमा जो है ना वो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर लग रही है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं अगला प्रश्न, प्रतिदिन सूर्योदय किस दिशा से होता है? तो पूर्व की दिशा से होता है। सभी को पता है सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है, पश्चिम में जाकर के छुप जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है,
उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को ये प्रश्न पूछा जाएगा। दे रखा है यहाँ पर प्रश्न, झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर, लिंगानुपात क्या होता है? तो बच्चा, लिंगानुपात का अर्थ है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है वो कहलाता है लिंगानुपात। ठीक है, यदि सबसे अच्छा लिंगानुपात यहाँ पर है जो पश्चिम सिंहभूम का है, तो सबसे खराब लिंगानुपात किसका है? तो सबसे खराब लिंगानुपात है धनबाद का। ठीक है, सबसे खराब लिंगानुपात किसका है? धनबाद का है, और धनबाद का लिंगानुपात है 909 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 909 है। कितना है? 909 है। याद रखेंगे ये सभी यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इल्तुतमिश किस राजवंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। चलिए अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, जो कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को यहाँ पर पूछा जाएगा। पहला प्रश्न, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यह चैत्र के माह में मनाया जाता है। त्रिपिटक किस धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। लंदन इंग्लैंड किस नदी के किनारे बसा है? तो यह टेम्स नदी के किनारे बसा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये तो था प्रश्न सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। आगे दे रखा है आज के मुख्य समाचार। देखिए ये जो मुख्य समाचार होते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एकदम आपका जो करेंट अफेयर है ना, इससे कवर हो जाता है। अभी तुरंत हाल ही में नियुक्तियाँ पूछे आपसे, अंतर्राष्ट्रीय जगत का समाचार पूछे, झारखंड का समाचार पूछे, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, हम आगे बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं IPS बनना चाहता हूँ, तो आपको ये आगे चलकर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी होगी। CA कौन अभी बने हैं, वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्य या सचिव कौन है, झारखंड के DGP कौन है, झारखंड के SP कौन है, झारखंड के DC कौन है, ये सभी कुछ पढ़ना होगा। तो वो चीज़ एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो उसी प्रकार बूंद बूंद करके घड़ा ही भरता है। अभी मैं पूछ लूँ कि भारत यहाँ पे जो झारखंड के DGP कौन है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है कि सर हमें तो नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आप कम से कम एक बार देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर दे रखा है आज का मुख्य समाचार, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ के संकटग्रस्त देशों की सहायता के लिए एमपॉक्स टीकों के लिए आपातकालीन आह्वान जारी किया है। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स अभी एक वायरस आया है, उसमें से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पर टीका बनाया गया है। राष्ट्रीय खबर है यहाँ पर, मनमाड़ इंदौर नई रेल लाइन को कैबिनेट की हरी झंडी, अगले 5 साल में परियोजना पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकीय खबर है, वन विभाग जंगल की सुरक्षा के लिए ड्रैगन टॉर्च का इस्तेमाल करेगा, इससे रात के अंधेरे में तस्करों के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी नज़र रखी जाएगी। सभी वन प्रमंडल में विभाग 885 ड्रैगन टॉर्च उपलब्ध कराएगा। वन विभाग द्वारा जानवरों के पानी पीने के लिए 770 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। ये झारखंड सरकार वन विभाग की जानकारी यहाँ पे दी गई है। खेल जगत, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, करियर इत्यादि का यहाँ पे प्रश्न है, जो कि पहला है पैरा ओलंपिक
खेल जगत का। प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में दूसरा पैरालंपिक पदक जीतकर इतिहास रख दिया। देखिए भारतीय यहाँ पर जो हैं पेरिस ओलंपिक में भले ही अच्छा प्रदर्शन ना हुआ हो, लेकिन पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे यहाँ पर गोल्ड मेडल तक आ चुके हैं। और अगला दे रखा है स्वास्थ्य संबंधित खोज, खून के खतरे से बनी ब्रेन कैंसर का पता चलेगा। वैज्ञानिकों ने इसे लिक्विड बायोप्सी का नाम दिया है। ठीक है साथी, चलिए आज का वर्ड ऑफ द डे है डिलीजेंट। इसका अर्थ होता है केयरफुल, प्रेसिस्टेंट एंड थ्रो इन योर वर्क और एफर्ट। ही वॉज डिलीजेंट इन हिज ट्रेनिंग, प्रैक्टिसिंग एवरी डे इन टू इम्प्रूव हिज स्किल्स। मेहनती, इसका मतलब होता है मेहनती, अपने काम या प्रयास में सावधान, दृढ़ और संपूर्ण रहे। वह अपने प्रशिक्षण में मेहनती था, अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हर दिन अभ्यास करता था। आज का प्रेरक प्रसंग है समय बहुत कीमती है, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता। यह बात बच्चे, शिक्षक और अभिभावक हर रोज सुनते हैं कि समय बहुत कीमती है। समय वास्तव में सबसे कीमती चीज है जिसे कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है। हम सभी हर मामले में समान नहीं हैं, लेकिन समय हम सभी के लिए समान है। हम सभी के पास एक साल में बराबर समय होता है, 12 महीने, 365 दिन, 8,707 घंटे, 5,25,600 मिनट और यहाँ पे दे रखा है 3,15,36,000 सेकेंड, इतना ही होता है। कुछ लोग अपने समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग बस समय बर्बाद करते हैं। जब समय की बात आती है तो हम सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जब हमारी प्रतिबद्धता की सीमा नज़दीक होती है तो हर सेकेंड बहुत कीमती होता है। जो लोग अपने समय की योजना बनाते हैं वे अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं और उनकी यात्रा आसान होती है। लेकिन जो लोग योजना नहीं बनाते वे हमेशा बेतरतीब ढंग से काम करते हैं, और जब वे काम पूरा नहीं कर पाते तो उनमें आत्मसम्मान कम हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है अगर हम खुद की योजना बनाएं और अपने समय का सही प्रबंधन करें तो हम सभी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमें अपने विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित करने और उनकी प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बर्बाद हुए समय की भरपाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार सा यहाँ पे था आज का यहाँ पे विद्यार्थी की प्रतिज्ञा। तो आप हर लोग लेते ही हैं, प्रण करते हैं कि ठीक है ये सभी पढ़ लेंगे आप। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, PDF वगैरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।